हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जितने भी एम्प्टी लवर्स हैं उनके लिए यहाँ पे गुड न्यूज़ भी है और एक बैड न्यूज़ भी है। गुड न्यूज़ फ्रेंड्स उनके लिए है जिन्होंने अभी तक यहाँ पे एम्प्टी 15 परचेज नहीं किया था। तो फाइनली फ्रेंड्स, यामा एम्प्टी 15 का जो फ्रेंड्स न्यू अपडेटेड वर्जन है वो फ्रेंड्स डीलरशिप्स पर आना स्टार्ट हो गया है। क्या कुछ चेंजेस आया है वो सभी फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और बाइक अपडेट्स आपके मिस ना हो जाए। जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता होगा, अभी कंपनी ने कुछ टाइम पहले ही वर्जन 2 को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया था और उस टाइम पे फ्रेंड्स काफी ज्यादा उम्मीद था कि कंपनी यहाँ पे डुअल चैनल एबीएस आपको प्रोवाइड करेगी, बट उस टाइम पे फ्रेंड्स आपको डुअल चैनल एबीएस इस बाइक में देखने को नहीं मिला था। तो फ्रेंड्स जो न्यू मॉडल है उसमें आपको डुअल चैनल एबीएस के साथ कंपनी ने इसे लॉन्च कर दिया और इसका जो लॉन्च है वो फ्रेंड्स 13 फरवरी को होने वाला है। तो जितने भी भाई लोग यहाँ पे वेट करना चाह रहे थे फ्रेंड्स, अब उनका जो वेट है वो यहाँ पे ओवर हो चुका है। आपको फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में भी हमने अपडेट किया था कि कंपनी इसे अपडेट करने वाली है, तो फाइनली फ्रेंड्स डेट भी निकल कर आ चुका है और बाइक्स भी आनी स्टार्ट हो गई है। तो फ्रेंड्स ये जो अभी आप बाइक देख रहे हैं ये वाला मॉडल अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपको शोरूम्स पे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो वेरियंट है ये सिंगल चैनल एबीएस के साथ आ रहा था। बट अब फ्रेंड्स जो वेरिएंट आएगा वो आने वाला है डुअल चैनल एबीएस के साथ, जिसमें कि फ्रेंड्स आपको एलईडी इंडिकेटर्स कंपनी प्रोवाइड करेगी और यहाँ पे ब्रेकिंग सेटअप आपको चेंज हो चुका है। कलर कॉम्बिनेशंस कंपनी ने यहाँ पे चेंज कर दिया है। न्यू कलर ऑप्शंस अब आपको देखने को मिलने वाला है बाइक में। और फ्रेंड्स ये भी एक काफ़ी अच्छा यहाँ पे बात है, आपको फ्रंट में यूएसडी फोक्स के साथ साथ यहाँ पे अब आपको डुअल चैनल एबीएस भी कंपनी प्रोवाइड कर रही है। एलईडी इंडिकेटर से काफ़ी मिसिंग यहाँ पे लगता था फ्रेंड्स बाइक में, जो कि कंपनी ने ऐड कर दिया है। तो अगर अभी हम बात करते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में, तो अभी ये जो मॉडल है ये फ्रेंड्स लगभग में 2 लाख रुपीज़ के अप्रॉक्स में ऑन रोड आ रहा था और अभी इसका जो न्यू मॉडल है वो फ्रेंड्स 5 to 7,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स में प्राइसेस जो है वो इंक्रीज होकर आ सकता है। तो ये जो बाइक है अब आपको 2 लाख 7 to 2 लाख 10,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स में ऑन रोड देखने को मिलेगी। अब एग्जैक्ट जो ऑन रोड प्राइसिंग है वो फ्रेंड्स पता चलेगा 13th को ही, क्योंकि उसी टाइम पे इसका लॉन्च है। बाकी बाइक जैसे ही अवेलेबल होगा फ्रेंड्स इसका जो डिटेल रिव्यू है वो आपको अपने भाई के चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। रहा बात इसके मीटर कंसोल को लेकर, तो उसके बारे में फ्रेंड्स अभी कुछ भी अपडेट नहीं आया है कि मीटर कंसोल में कंपनी ने कुछ चेंज किया है या फिर नहीं किया है, और ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह को लेकर भी काफ़ी लोग पूछ रहे थे, तो उसके रिगार्डिंग में भी फ्रेंड्स आपको अपडेट जो है वो हम जल्दी प्रोवाइड करेंगे। बस आज के इस वीडियो में यहाँ पे एक आपको क्विक अपडेट देना था कि न्यू एम्प्टी 15 जो है वो लॉन्च हो चुकी है, जिसमें कि अब आपको डुअल चैनल एबीएस वगैरह जो है वो मिल रहा है। तो ये उनके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, जो कि फ्रेंड्स अभी तक यहाँ पे 155 cc सेगमेंट में एक बाइक लेने का सोच रहे थे और उनका बजट 2 लाख से 2 लाख 10 हज़ार रुपये के अप्रॉक्स का था। तो मैं होप करता हूँ आपकी सभी डाउट्स हमने क्लियर कर दी होगी। बाकी जो भी फ्रेंड्स डाउट रह गया है वो फ्रेंड्स आप वेट कर ले 13th तक का, आपके लिए हम जल्दी वीडियो ले आएंगे। बस मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में यही था, तब तक के लिए आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स।